नमस्ते, मैं अशोक जांगिड़। 2024 के इस शुरुआत के अंदर कुछ नए वीडियोस में लेके आऊंगा आपके सामने, जो कि पहले के वीडियो से काफी कुछ अलग लगेगा। इसके अंदर ब्लॉग के माध्यम से हम चीज़ों को, इम्प्लीमेंट्स को, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और क्या आइटम्स हम बनाते हैं, जैसे कि आज हम डिस्प्लो के कुछ एक दो मॉडल्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह के मॉडल्स होते हैं, उसका इंस्टॉलेशन, उसको अगर कोई कस्टमर परचेज करता है तो उसकी माउंटिंग कैसे करें और उसको किस तरह से ऑपरेट करें, और इसके साथ भी कई सारी दूसरी चीज़ें बताएंगे। अब हम पहुंच रहे हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे न्यू विकास के, और इसके साथ ही डिस्प्लो के बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। का करे हो भैया, का करे हो रहा हेलो। न्यू विकास के इस डिस्प्लो के सेट के साथ में ये चीजें आती हैं, दो डिस्क, दो हब, एक जिसको चक्रिया कहते हैं, एक कोल्टर है, और इसमें जो है इन सब में लगने वाले बोल्ट से, और एक पाना। तो इसमें हम अभी आपको बताएंगे किस तरह से इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हब के अंदर जो बड़े बोल्ट्स लगते हैं, तो इसके अंदर जो साथ में बोल्ट्स आते हैं, चार बड़े बोल्ट्स हैं, और इसके साथ में जो ये डिस्क है इस पर लगने वाले छोटे बोल्ट्स हैं, और इसके साथ वाशर आते हैं जो कि इसके साथ में लगेंगे। और अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से नट बोल्ट के माध्यम से अब को जो है इसके ऊपर माउंट किया जाता है। इसमें कुछ चीज़ें देखने वाली है, तो क्योंकि डिस्क नहीं है तो किस स्लॉट के अंदर इसको डिस्क को जो है वो माउंट किया जाना चाहिए, वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस फ्रेम को हम उल्टा करेंगे ताकि इसको माउंट करना इजी रहे, और इसके साथ में जो चार बड़े बोल्ट आए हैं और इन डिस्क के लिए पांच और पांच दस छोटे जो बोल्ट्स और नट हैं, ये हम एक जगह लेके और फिर इस पर माउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हम वाशर लगाएंगे, और ये जो ये वाला जो स्लॉट है इसके अंदर हम इसको यहाँ पर फिट करेंगे, और उसके बाद में जब टाइम के साथ में जब डिस्क की जो डायमीटर कम होगा उस टाइम इस स्लॉट के अंदर हम फिट कर सकते हैं। तो चूंकि नया फ्रेम है, नई डिस्क है, इसलिए इस वाले फर्स्ट स्लॉट के अंदर हम इसको रखेंगे। तो पहले वाशर हमने लगाया, उसके बाद में हमने नट लगाया, और दो जने जो है इसको इजीली माउंट इस तरह से कर सकते हैं। और अब हाथ से टाइट करने के बाद में हम बड़े वाले पाने की हेल्प से इसको फुल टाइट कर देंगे। हाँ मिश्रा जी, तो इस तरह से ये दोनों जो हब है सबसे पहले इसको इस तरह से माउंट करेंगे, और इसके बाद में हम पीछे वाला जो चक्रिया है इसको हम अब बताएंगे किस तरह से इसको माउंट करना है, उसके बाद में हम इस पे डिस्क भी माउंट कर लेंगे। कोल्टर असेंबली है, इसको हम यहाँ पे पीछे माउंट करेंगे। यहाँ पर ये दो यू बोल्ट दे रखे हैं, तो इनको ओपन करके और इसको प्रॉपरली फिट करेंगे, उसके बाद में वापस इन यू बोल्ट्स को टाइट करेंगे। अब ये जो डिस्क है इसको हम यहाँ पे दोनों को
माउंट करेंगे। इसके अंदर इस तरह से जो नट है पीछे की तरफ से आएगा और जो बोल्ट है वो डिस्क के अंदर की तरफ से हम लगाते हैं। हाँ ठीक है, तो हाँ तो बाकी वाला तो कहा कि सबके जो ऊपर से यहाँ पे ये डिस्क हब ये प्रॉपरली माउंट हो चुके हैं और पीछे की जो कोल्टर असेंबली या चक्रिया है ये सारे माउंट हो गए। अब इसको वापस ही सीधा करेंगे, तो इसको इजीली ऐसे सीधा किया जा सकता है और ये जो स्टैंड है स्टैंड को यूज़ करके इसको स्टेबल कर देंगे और नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे इस ट्रैक्टर को इस डिस्प्ले से जोड़ा जा रहा है और जोड़ने के लिए हम पिन काम में लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड में हम पिन इस जो ट्रैक्टर की पत्ती है इससे हम लगाएंगे और बाद में क्वार्टर पिन लगा के इसको लॉक करेंगे और जो टॉप लिंक है इसको भी हम एडजस्ट करेंगे। तो टॉप लिंक और दो पिन, तो तीन पिन से ये 3 पॉइंट लिंकेज इसका हो जाएगा। उसके बाद हम इसको फील्ड पे लेंगे और वहाँ पर हम इसको किस तरह से चलाया जाता है वो आपको बताएंगे। ये पूरा माउंट करने के बाद में इस डिस्प्ले को इसके लिफ्ट से थोड़ा ऊपर करके फिर हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अंदर ये एक लॉक है तो इसको जो है वो साइड के अंदर हम करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट के अंदर नीचे वाला जो पोर्शन है वो मूवमेंट ना करे उसके लिए होता है। किधर चलाओ अटे कुटे मानो लॉक रो बता देने लॉक करिए अगर एक साइड में है नहीं। अब ये ट्रैक्टर को फील्ड पे ले आए हैं, अब इसको लिफ्ट को नीचे करेंगे और जमीन से टच करेंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो डिस्प्ले है उसको नीचे किया गया है और ये जो डिस्क है ये 10 से 12 इंच जमीन के अंदर जाती है और आप देख सकते हैं कि इस तरह से इस जमीन को मुलायम भी बनाती है और नीचे की मिट्टी को ऊपर लाके उसकी प्रॉपरली टर्निंग की जाती है और इससे क्या होता है कि एरेशन जमीन के अंदर हो जाता है। तो जो आगे सीडिंग हम करते हैं बीजाई करते हैं उसके अंदर अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलने से अच्छी ग्रोथ हो पाती है और नीचे जो भी रूट्स होते हैं उसको भी कटिंग करके और मिट्टी के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। तो इस डिस्प्ले का उपयोग 10 से 12 इंच तक डिस्क को अंदर डेप्थ तक डालने के लिए और मिट्टी को टर्निंग करने के लिए और जो रूट्स हैं उनको काट कर मिक्स करने के लिए काम में लिया जाता है। और इस डिस्प्ले को ऑटोमेटिक डिस्प्ले कहते हैं क्योंकि जब ये घूम के आता है जैसे अब ये टर्न करके आया है तो क्या होता है कि जो दो टायर इस साइड में आते हैं तब वो पीछे का जो नीचे का जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली मूव हो जाता है, इसलिए इसको ऑटोमेटिक या रिवर्सिबल डिस्प्ले भी कहते हैं। क्योंकि जो प्लेन डिस्प्ले होता है उसके अंदर ये सुविधा नहीं होती तो इससे जो टोटल टाइम लगता है वो कम लगता है, तो फील्ड को प्रिपेयर कम टाइम में किया जा सकता है ऑटोमेटिक या रिवर्सिबल डिस्प्ले की वजह से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये नीचे का जो पोर्शन है ये ऑटोमेटिकली टर्न हो जाता है जब ये दो ट्रैक्टर इस जुताई की हुई जमीन के अंदर आते हैं। ये जो डिस्प्ले है इसकी इसमें हम 7 से 8 मॉडल्स बनाते हैं और अभी ये जो डिस्प्ले है ये इसको पाइप सेट कहते हैं और इसकी जो प्राइस है नियरली 45,000 रुपीज़ है। इससे कम के भी मॉडल्स हैं और इससे ऊपर के भी कुछ मॉडल्स हैं। इसके बाद में ये जो टू बॉटम डिस्प्ले है इसके साथ में इससे 1.5 टाइम्स एफिशिएंट 3 बॉटम डिस्प्ले भी हम बनाते हैं और उसको यूज़ करके आप कम टाइम में ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कई एरिया की डिमांड रहती है, तो 3 बॉटम के अलावा हमारे पास 4 बॉटम भी है। नॉर्मली जो चलते हैं वो 2 बॉटम और 3 बॉटम डिस्प्ले की डिमांड रहती है, उसके अंदर भी प्लेन और रिवर्सिबल। तो ये वाला जो है वो एक रिवर्सिबल डिस्प्ले है और प्लेन डिस्प्ले भी जहाँ पे रूट्स ज़्यादा होते हैं यानी जहाँ ज़मीन या तो उबड़ खाबड़ ज़्यादा है जहाँ पर ये रिवर्सिबल डिस्प्ले का मूवमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता तो वहाँ पर प्लेन डिस्प्ले की को काम में लिया जाता है और बाकी ज़्यादातर जगहों पर रिवर्सिबल डिस्प्ले को काम में लिया जाता है।